नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सवे पावपणासनो मंगलानं च सवे सिंह पढ़वं भावै मंगलं मंगलानं च सवे सिंह पढ़वं भावै मंगलं भगवान महावीर स्वामी की जय। हो मेरे सर पे रख दो गुरुवे, हो मेरे सर पे रख दो गुरुवे अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सर पे रख दो गुरुवे, ओ मेरे सर पे रख दो गुरुवे अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है शरणागत को गुरुवे अपने गले लगाते हो, सुना है शरणागत को गुरुवे अपने गले लगाते हो, ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से कतराते हो, ऐसा मैंने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। मेरा रास्ता रोशन कर दो, ओ मेरा रास्ता रोशन कर दो छाए अंधियारी रात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। इसी जन्म में सेवा दे कर बहुत बड़ा एहसान किया, इसी जन्म में सेवा दे कर बहुत बड़ा एहसान किया, तू ही नैया तो ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया, तू ही नैया तो ही खिवैया मैंने तुझे पहचान लिया। रहे साथ जन्मों जन्मों तक, और रहे साथ जन्मों जन्मों तक, बस रख लो इतनी बात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुलग रहा हूँ गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, सुलग रहा हूँ गम की धूप में प्यार की छाया कर देना, बिन मांझी के नाव चले ना पतवार पकड़ लेना, बिन मांझी के नाव चले ना पतवार पकड़ लेना, चाहे सुख में रख या दुख में, ओ चाहे सुख में रख या दुख में होती रहे मुलाकात, देना हो तो दीजिए
जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सर पे रख दो गुरुए, ओ मेरे सर पे रख दो गुरुए अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। ओ शांति। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, बोलिए दिगंबर आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोलिए मंदिर मार्गी आचार्य श्रीमद विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज की, बोलिए स्थानक वासी आचार्य सम्राट श्री शिवमुनि जी महाराज की, बोलिए तेरा पंथ आचार्य पूज्य श्री महाश्रमण जी महाराज की, बोलिए जैन धर्म की, बोलिए श्रमण संघ की। सबसे पहले मेरे जीवन निर्माता सद्मार्गदाता सद्गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब के पवित्र पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। आध्यात्मिक चातुर्मास 2018 के निमित्त इस गोडवार्ड भवन बेंगलोर में विराजमान मेरे सरल आत्मा महाश्रमण भंते श्री पारस मुनि जी महाराज साहब, मेरी उपाध्याय प्रवर संघ सेतु पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में सत सत वंदन करते हैं। मेरे तपस्वी श्री ऋषभ मुनि जी महाराज सहित समस्त प्रिय मुनिराज,
एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का इस अहिंसा समोसरण के पावन प्रांगण में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरी भावना की भावधारा में हम सभी गोते लगा रहे हैं। पांचवा पद मेरी भावना का, जिस पर चर्चा चल रही है, हमारे जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर जी ने आगमों के सार को, अध्यात्म के अमृत को शब्दों में बांधकर अपनी इस मेरी भावना के अंदर जिस तरीके से पिरोया है, उनके इस परम पुरुषार्थ की, उनकी इस दिव्य भावना की हम हार्दिक अनुमोदना करते हैं। पहले उच्चारण करें, मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्षि करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों पर नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। ये देखिए, हम आज जहां कहीं भी हैं, या मनुष्य आज जहां कहीं भी है, वो अपने मन के कारण है। हमारे जीवन में जितने भी सुख और दुख आते हैं, या जिनको हम सुख और दुख कहते हैं, वो हम अपने मन के आधार पर कहते हैं। सुख दुख अपने आप में कुछ नहीं है, उनको सुख और दुख बनाने की ताकत अगर किसी में है तो वो हमारे तुम्हारे मन में है। हमारा मन जिसको सुख मान लेता है, हमें उसमें से सुख की अनुभूति होने लगती है, और हमारा मन जिसमें दुख मानने लग जाता है, उससे दुख की दुर्गंध आने लगती है, और उसकी एक ही वजह है, वो हमारा तुम्हारा मन। गीता के अंदर स्वयं कृष्ण मन को आधार बनाते हुए
और मनुष्य को मन के साथ जोड़ते हुए एक गहरी उद्घोषणा करते हैं, गहरा संदेश देते हैं। मन एव मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो, मन एव मनुष्या नाम, मन एव यानी मन ही है मनुष्या नाम मनुष्यों के लिए, मन ही है मनुष्यों के लिए कारणम बंध मोक्षयो, जो कारण है चाहे वो बंध का है चाहे वो मोक्ष का है, चाहे वो बंधन का है चाहे वो मुक्ति का है। हमारी तुम्हारे बंधन और मुक्ति का कोई कारण है तो वो मनुष्य का मन है, हमारा मन है। मन की वजह से ही हमें मनुष्य कहा जाता है। जब कहते कि भाई हमको मनुष्य क्यों कहा जाता है, तो इसका रहस्योद्घाटन तब होता है कि मन से ही मनुष्य बना है। कहने को तो ये भी कह देते हैं कि मनु की संतान मानव कहलाती है, ये सनातन परंपरा है। मनु जी की संतान को मानव कहा है, जिसके द्वारा हमें मनन करने की शक्ति प्राप्त होती है, चिंतन करने की शक्ति प्राप्त होती है। वो जो हमारे पास ताकत है मनन करने की, चिंतन करने की, उसी शक्ति के आधार पर हम मनुष्य कहलाते हैं। ये सबसे बड़ा आधार है हमारे मनुष्य होने का, क्योंकि मन का जितना विकास मनुष्य के पास हुआ है इतना विकास कहीं होता नहीं है। आप चाहो तो मन के आधार पर नीचे की यात्रा कर सकते हो, मन के आधार पर ऊपर की यात्रा कर सकते हो। मन तो एक सीढ़ी नुमा है, एक पौड़ी है, पेड़िया चढ़ाव जिसको हम बोलते हैं। आप नीचे से ऊपर आते हो, जिन सीढ़ियों से आप नीचे से ऊपर आए हो उन्हीं सीढ़ियों से आप ऊपर से नीचे भी जाते हो। सीढ़ी अपने आप में है, वो तो वहीं की वहीं है, और वही देखिए किसी को ऊपर ला रही है किसी को नीचे ले जा रही है। तो इसी प्रकार मन हमारे साथ जुड़ा हुआ है, मन के आधार पर हम नीचे जाते हैं और मन के आधार पर हम ऊपर आते हैं। इसलिए कहा कि मन एवं मनुष्या नाम कारणम बंध मोक्षयो। देखा जाए एक और कल्पना की है कि मन एक पक्षी की तरह है जो ऊपर की ओर उड़ रहा है या आसमान में उड़ रहा है, लेकिन जब वो ऊपर से नीचे अन्न के कण देखता है, अन्न के दाने देखता है या अपना भोजन देखता है, तो एकदम ऊपर से वो नीचे आता है। उसे अन्न कण तो दिखाई दे रहे हैं, अन्न के दाने तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहां बड़ी चालाकी से जो जाल बिछा रखा है वो जाल को नहीं देख पाता, क्योंकि उस वक्त उसे भूख लग रही है और भूख इस कदर लग रही है उसे अन्न के दाने के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, और वो आ जाता है, बैठ जाता है। अन्न का दाना तो मिलता है लेकिन जाल में फंस जाता है। अब इस चीज को देखिए, मन जब वासना में बहता है, मन जब तृष्णा में बहता है, उस वक्त वो इतना एकाग्र हो जाता है अपने लक्ष्य के लिए, ये नहीं सोचता इसके साथ साथ कुछ खतरे भी हो सकते हैं। उन खतरों को वो भांप नहीं पाता। क्यों नहीं भांप पाता? वो इसलिए नहीं भांप पाता क्योंकि वहां वो आसक्त हो चुका है, उस चीज के लिए आसक्त हो चुका है।
अपरमत नहीं है, वह परमत हो गया है, प्रमादी हो गया है। इसलिए भगवान महावीर ने बार बार अपने साधकों को एक ही चेतावनी के लहजे में शब्द बोला है कि समयम गोयम मा पमाए, तो समय मात्र का प्रमाद मत कर। ये मन कब तुझको कहाँ पर ले जाए, एक बार ये मन शब्दबाज दिखाता है, ये एक बार मन तेरे लिए मन की कल्पना के साथ साथ जुड़ करके तुझे बड़े बड़े सुंदर नज़ारे दिखा देता है। मन की कल्पनाओं के अंदर हम इस कदर जुड़ जाते हैं कि उसके परिणामों की याद नहीं रहती है। परिणाम की याद रखना, उसको हमारे यहाँ बोला है मन के अंदर विवेक का दीप जलाना। आप अपने आप को सभी कष्टों से बचा सकते हो। अब देखिए इस पांचवें पद में आपने गौर किया हो, तीन भावनाएं दर्शाई हैं इसमें। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों पर नित्य रहे, ये मैत्री भावना है, यानी मैत्री भाव मेरा सभी के साथ रहे, सभी के ऊपर रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर्से करुणा स्रोत बहे, ये करुणा की भावना है, दया की भावना है। जो दीन दुखी हैं उन पे मेरे अंदर करुणा आए, अनुकंपा आए, दया आए। जो दीन दुखी हैं, जो लाचार हैं, बेसहारा हैं, उनका मैं सहारा बनूं, उनकी तकलीफ दूर करने का मैं माध्यम बनूं। और माध्यम बनने के बावजूद भी अहंकार ना आए मेरे अंदर, क्योंकि करुणा और अहंकार एक साथ नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि आदमी भला नहीं करता, भला तो करता है, लेकिन भले के साथ वो सौदा रखता है, भले के साथ एक डिमांड रखता अपने पास कि मैं तुझे इतना दूंगा, इसके बदले तू मुझे इतना देना है। ये सौदेबाजी है, ये करुणा नहीं है। करुणा उसको कहते हैं कि देने के भाव तो हो, लेने के भाव ना रहे। तो दीन दुखी जीवों के प्रति मेरे अंदर करुणा भाव रहे। आज तीसरे और चौथे पद में मध्यस्थ भावना की चर्चा की है कवि जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर जी ने। कौन सी? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। सभी जीवों के प्रति मैत्री भाव, दीन दुखियों के प्रति करुणा भाव और दुर्जन, क्योंकि सब कुछ हमारी जिंदगी में हमारे मन के अनुकूल नहीं होता, हर इंसान हमारा अच्छा और सच्चा साथी नहीं बनता। जिस दुनिया के अंदर हम रहते हैं वहां कई तरीके के लोग रहते हैं, कुछ हमारे पक्ष में रहते हैं, कुछ हमारे विपक्ष में रहते हैं। कोई हमें पुश करता है, कोई हमें धक्का देता है, कोई हमें संभालने वाला है, कोई हमें गिराने वाला है, कोई गिरते को थामने वाला है, कोई धक्का देने वाला है, कोई टांग खींचने वाला है, कोई संभालने वाला है। सब चीजें भैया दुनिया के अंदर, क्योंकि ये पूरी जिंदगी हमारे पुण्य पाप पे चलती है, तो पुण्य पाप का नजारा हमें भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलन करते हुए प्राप्त होती है। भिन्न भिन्न परिस्थितियां हमारे समक्ष उपस्थित होती हैं और उन परिस्थितियों के अंदर हम कितना सामंजस्य बैठा पाते हैं, हम लोगों के साथ कितना सामंजस्य बैठा पाते हैं, ये हमारे विवेक के ऊपर रखा है। लेकिन उसके लिए एक संदेश दिया है, शास्त्रों का सार निकाल करके बतलाया है जुगल किशोर मुख्तियार युगवीर जी ने। वो ये बोला है कि दुर्जन, क्योंकि पूरी सृष्टि के अंदर दो ही प्रकार के तो लोग रहते हैं, एक दुर्जन और एक सज्जन, एक भले लोग एक बुरे लोग, एक अच्छा करने वाले एक बुरा करने वाले। और क्या परिभाषा करी दुर्जन की, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। ये बहुत मुश्किल होता है,
जो हमारा बुरा करे उसके प्रति क्रोध ना आवे, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। लेकिन ये भी मन का ही खेल है। दुनिया में केवल आपके साथ ही बुरा करने वाले लोग नहीं हैं, पता नहीं कितनों के साथ बुरा किया है। जिनको हम भगवान की तरह पूजते हैं उनको भी लोगों ने पत्थर मारे हैं, किसी को जहर पिलाया है, किसी को क्रॉस पे लटकाया है, किसी को 48 तालों के भीतर कोठड़ियों में डाला है, किसी ने कानों में कीले ठोके। ये दुनिया रंग बिरंगी है। तो भगवान की वाणी को आगम से जोड़ते हुए कवि बोल रहा है कि आपके जीवन में सज्जन, क्योंकि तो सज्जन की एक खासियत होती है, उसके अंदर सभी का भला करने के भाव होते हैं। सभी का भला हो जाए, सभी के हित की इच्छा रखता है, सभी का भला हो जाए, जो सबके भले की सोचता है उसको हम सज्जन कहते हैं, और जो सबके बुरे की सोचता है उसको हम दुर्जन कहते हैं। बस जो बुरा सोचे वो दुर्जन, जो अच्छा सोचे वो सज्जन, यही परिभाषा है अच्छे और बुरे की। जो किसी को सहारा देता है वो सज्जन होता है, और जो किसी का सहारा छीन लेता है वो दुर्जन होता है। थामने वाला सज्जन तो धक्का देने वाला दुर्जन, और जिंदगी में मिलेंगे तो सब कुछ। ये तो अपना पिता और पुत्र का भी नाता है, शिष्य और गुरु का भी नाता है, कभी कभी वहां पर भी ये दुनिया चलती है भैया। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मिलते हैं, तो फिर करे क्या? एक ही चीज बोली है कि दुर्जन क्रूर, जिनके अंदर क्रूरता है, दया नाम की चीज नहीं, जिनके पास हृदय नहीं। और कई लोग तो ऐसे होते जिनको दूसरों को सताने में मजा आता है, उनकी है ही ऐसी मेंटिलिटी कि जब तक वो किसी को सताना लें तब तक अच्छा ही नहीं लगता, उनको रोटी हजम नहीं होती, ऐसी स्थिति हो जाती है। ये मनुष्य की प्रकृति है। कभी कभी हम सोचते पता नहीं इसको क्या मजा आ रहा है दूसरे को सताने में, लेकिन वो आया ही है दूसरों को सताने के लिए। उसी तरह की उसकी मेंटिलिटी बनी हुई है, उसी तरह की उसकी सोच बनी हुई है। सऊदी अरब के अंदर तो ऐसे ऐसे खेल निकाले गए हैं, पुराने खेल है, कि हाथी की पूंछ से एक बच्चे को बांध दिया जाता है जो 2-2.5 साल का होता है, पूंछ से बांध देते हैं उसको, उसकी टांगे बांध देते और मुंह नीचे रहता है, फिर ऊंट को दौड़ाते हैं, और उस खेल को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। जब वो बच्चा रोता है तो ऊंट दौड़ता है, जब ऊंट दौड़ता है तो बच्चा कभी इस पांव पर कभी इस पांव पर टकराता है, तो जितना टकराता है तो उतने और जोर की आवाज निकालता, चिल्लाता है बच्चा, और जितने जोर से वो चिल्लाता है ऊंट उतनी तेज भागता है, और जितनी तेज ऊंट भागता है लोग तालियां बजाते हैं, खुशियां मनाते हैं उसकी दौड़ देख करके। देखिए ये व्यर्थ की हिंसा है, लेकिन कईयों ने तो ये खेल बना रखा है। आपने देखा होगा कहीं 2 सांड आपस में लड़ाते हैं और बाजी लगा देते हैं कि मेरा सांड जीतेगा तो इतने पैसे, उसका जीतेगा तो इतने पैसे, यानी सांडों की लड़ाई पर जुआ खेला जाता है, सट्टे लगाए जाते हैं, घुड़दौड़ पर भी सट्टे लगाए जाते हैं, रेस कोर्स जो होते हैं वहां पर यही तो चलता है कि कौन सा घोड़ा जीतेगा। यानी इन चीजों में जहां पशु और पक्षियों को सताया जाता है उनके सताने का भी लोग आनंद लेते हैं, उनकी पीड़ा को वो समझ नहीं पाते। ऐसे कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आदमियों को समाज में लड़ाने भिड़ाने में मजा आता है कि किसी तरह चिंगारी लगा दूं या आपस में लड़ें और मैं दूर खड़ा होकर के बोल तो दो तमाशा देखूं। कई हैं ऐसे लोग जिनको लड़ाने में मजा आता है। 2 भाई आपस में लड़ रहे हो, 2 जने आपस में लड़ रहे हो तो सारी भीड़ खड़ी हो जाती है। सच कहता हूं,
अगर कोई कुछ और अच्छा काम हो रहा हो तो लोग खड़े नहीं होते जहां, लेकिन जहां लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, वहां लोग तो हम चिंतन करें कि कैसी मानसिकता है। ऐसी मानसिकताओं के साथ भी हमारा संबंध बन सकता है। जो कुमार्ग रत हैं, गंदे रास्ते पे चल रहे हैं, पतन के रास्ते पे चल रहे हैं, कभी कभी गुस्सा आता है उनको देख करके, जो हमें सताते हैं, जो किसी का नुकसान करते हैं, तो उनको देख करके जो क्रोध आता है उसके लिए भी मना किया है। ऐसी अवस्था में हम मध्यस्थ रहें, तटस्थ रहें, तटस्थ, ना तो उनको प्रेम करें और ना ही उनकी हम निंदा करें, क्योंकि निंदा करने से हमारे भाव खराब होंगे। बुरा करने वाला तो बुरा कर रहा है, लेकिन बुरा करने वाले को देखकर उसकी बुराई जो हम करते हैं, जो मन में क्रोध आ जाता है, उसके लिए जो गालियां निकलती है, इसका नाश हो जावे, ये हो जावे, ये जो भाव हमारे अंदर आ जाते हैं, जो लोग हमें सताएं फिर उनके प्रति तो ये भाव आ ही जाते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे भाव लाने से, क्योंकि वो भी तुम्हें बेवजह नहीं सता रहा है, किसी ना किसी जन्म का फल, किसी ना किसी जन्म के कर्म का प्रभाव वो आपके ऊपर उतार रहा है। उस वक्त हम क्या करें, तटस्थ रह जाए। और इसके लिए कबीर साहब ने एक बड़ा दो एक पंक्ति दी है, उस पंक्ति में बोला है, ना काहू से दोस्ती न काहू से बैर। ना तो ऐसों से दोस्ती रखो और ना ही ऐसों के प्रति वैर भाव रखो। दोस्ती भी खतरनाक है, दुश्मनी भी खतरनाक है। इसलिए कहते हैं कि बड़े बड़े नेताओं की और बड़े बड़े पुलिस वालों की दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक होती है। ऐसे लोगों से तो भैया दूर से ही हाँ नमस्कार, भैया तू अपनी दुनिया में रहे, हमें तेरे से साथ कोई लेना देना नहीं। ये जो तटस्थता रहती है, ये तटस्थता हमारे संभाव को बना करके रखती है। एक बार कि जीवन में हर तरह के लोग मिलते हैं, ये दुनिया भरी पड़ी है। तो कहते कि एक बार अब्राहम लिंकन देश के राष्ट्रपति बने अमेरिका के, तो संसद में वो भाषण दे रहे थे। भाषण देने के लिए वो खड़े हुए तो वहां एक संसद बैठा हुआ था, उसने बोला, महोदय महोदय, हम जानते हैं आपके पिता चमार थे, टोंट मारा होगा। तो सभा सुन हो गई एकदम कि देश के राष्ट्रपति को एक सांसद ने क्या बोला, वो भी निर्वाचित राष्ट्रपति को। ये शब्द सुनते ही, ये देखिए अब्राहम लिंकन की सोच को मैं प्रणाम करता हूं। उन्होंने, जिसने बोला कि तुम्हारे पिता चमार थे, कहा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि मुझे राष्ट्रपति भवन के अंदर और इस संसद भवन के अंदर आपने मुझे मेरे पिता की याद दिलाई, इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं घमंड में आ गया था, लेकिन आज तुमने मुझे मेरे पिता की याद दिला करके आपने बड़ा उपकार किया। और सुनो, मेरे पिताजी एक कुशल चमार थे, वो जूतियां बहुत अच्छी गाड़ते थे, उनकी बनाई हुई जूतियों पर किसी ने भी कोई टीका टिप्पणी नहीं करी। मैंने बड़ी नजदीक से देखा है, मैंने अपने पिता को, उनकी बनाई हुई जूतियों को पहनने वालों ने कभी भी उन जूतियों की शिकायत नहीं की। क्यों क्यों नहीं की, उन जूतियों में कोई कमी नहीं रखते थे। मेरे पिताजी बहुत कुशल मोची थे, जूतियां बहुत अच्छी बनाते थे, शायद मैं अपने पिता की तरह अच्छा राष्ट्रपति ना बन पाऊं। जैसे वो कुशल मोची थे,
जूता बनाने वाले थे, शायद मैं इतना अच्छा राष्ट्रपति ना बन पाऊं जितने अच्छे मेरे पिता मोची थे। अब बताओ ऐसे व्यक्ति को आप दुखी कैसे कर सकते हो? उसने तो टॉन्ट मारी थी, व्यंग बाण मारा था, लेकिन व्यंग बाण को दिल पर नहीं लगने दिया, उस बाण को भी फूलों की माला बना दी। आपने नाम नहीं सुना हो, हमारे उत्तर भारत में एक बड़े संत हुए हैं जिन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन किया था, आचार्य सुशील मुनि जी महाराज, जो विदेशों के अंदर धर्म का प्रचार करने के लिए गए। समाज ने विरोध भी किया, तो सदर बाजार की बात है, उस वक्त वो सरमन संघ में थे तो भीड़ बहुत आई हुई थी, तो बोलते बोलते उनका हाथ माइक पर लग गया, जोश में थे, कभी कभी मेरा भी लग जाता है, जोश में थे तो माइक पर हाथ लग गया, तो पुरानी सोच के भी लोग होते हैं, तो वहां एक आदमी बैठा हुआ था, उसके मुख से एक शब्द निकला है साला कहीं का, गुस्से में साला कहीं का। तो उस सभा में सुशील मुनि जी महाराज साहब के समर्थक ही बहुत ज्यादा थे, ये शब्द समर्थकों ने सुन लिए, वो कुछ उसके ऊपर एक्शन ले पाते, प्रतिरोध दिखाते, तुरंत बात को संभाल लिया सुशील मुनि जी ने, कहा कि इस भाई के ऊपर गुस्सा होने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं इसका साला हूं, क्योंकि तुम्हारी जितनी भी पत्नियां हैं सबको मैं अपनी बहन मानता हूं, और जो बहन का भाई होता है वो साला ही तो होता है, इसने गलत क्या बोला, धन्यवाद कि तुमने मुझे अपना साला तो माना, कम से कम ये तो बात प्रमाणित कर दी कि मैं तुम्हारी पत्नी को अपना अपनी बहन मानता हूं, वो तुम्हारी पत्नी मुझे भाई मानती है। अब देखिए सभा को बिगड़ने से तुरंत बचा लिया, ये होता है, और ये उसी के अंदर आ सकता है जिसमें संभाव है, जिसमें मध्यस्थ भाव की एक साधना होती है कि विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपने आप के मानसिक संतुलन को खराब नहीं होने देना, ये एक बहुत बड़ी साधना है। महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं संत एकनाथ, वो भी मुझे एक बहुत अच्छा प्रसंग नजर आता है, वो भी एक गांव के पास रहते थे और गांव में वो भिक्षा के लिए आते थे, क्योंकि पहले के फकीर ऐसे होते थे, हम लोग भी भिक्षा जीवी हैं इसलिए हमको भिक्षुक कहा जाता है, भिक्षु यानी भिक्षु, भिक्षु यानी पेट की पूर्ति के लिए जो भीख मांगता है, बस पेट के लिए, अंतर है भिक्षु में और भिखारी में, भिखारी भीख मांगता है, भिक्षु भिक्षा मांगता है, दोनों में अंतर हो गया, भिक्षु भिक्षा मांगता है, भिखारी भीख मांगता है, वो गिड़गिड़ाता है, वो कुछ जमा करने के लिए मांगता है, मैं जमा करता रहूं जमा करता रहूं, जमा करने के भाव से जो भीख मांगता है वो भिखारी होता है, जो केवल पेट पालने के लिए उतना ही लेता है जितना पेट पल जाए उसको भिक्षु कहते हैं, भिखारी बंधा हुआ है, भिक्षु बंधा हुआ नहीं होता है, वो तृष्णा से नहीं बंधा हुआ रहता है। तो गांव में आते थे तो गांव में पहले ही एक झोपड़ी पड़ती थी, वहां पे खड़े हो जाते थे, ए माई देना जरा, उस माई की खोपड़ी जरा गर्म थी, या तो अकेली रहती होगी, फ्रस्ट्रेटेड थी, परेशान थी, और
उस बाई को वो एक नाथ अच्छे नहीं लगते थे और वो वहां खड़े हो जाते थे। एक दिन तो बोल दिया, तुझे शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए? तेरे हाथ पांव सलामत है, कुछ कहा ले कमा ले, और सुबह सुबह भीख मांगने आ गया, हमारा दिमाग खराब करता है। जो भी गालियां देनी थी वो गालियां दी, मैं दे नहीं सकता, वो जो उसने वो गालियां दी, लेकिन वो चुपचाप चले जाते थे हंसते हुए, बुरा नहीं मानते थे, हंसते हुए चले जाते थे। अब ऐसा हो गया कि वो गाली देने से बाज नहीं आती और वो वहां आए बिना रहते नहीं, रोज आते, गालियां सुनते, हंसते, चल देते। एक दिन की बात, वो बाई मिट्टी से आंगन लीप रही थी, है ना, गोबर और मिट्टी दोनों मिलाकर के पहले आंगन लिपा जाता था, दीवार भी लिपी जाती थी, तो आंगन लीप रही थी। माई, ओह फिर आ गया, लगता है आज तुझे कुछ देना ही पड़ेगा। हाँ, वो मिट्टी भरी पड़ा था, पोचा मिट्टी से भरा हुआ था, क्योंकि उससे लिपा करती थी वो, तो वो उठाया और उसके मुंह पे मारा, निकल ले आज ये भिक्षा ले तू, और वो सीधा पोचा उनके मुंह पे लग गया, सारा मुंह कीचड़ से भर गया, लेकिन उस पोचे को नीचे नहीं गिरने दिया, तुरंत संभाल लिया और अपने जो उत्तरीय वस्त्र था उससे अपना चेहरा साफ किया और कहा, मैया धन्यवाद। क्योंकि ऐसे लोगों को संत कहा जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूं, कंपैरिजन करता हूं कि भैया अपन के अंदर इतनी सहनशीलता नहीं है, लेकिन वो वास्तव में कितने गजब के संत हैं। वो आए, पोचे को धोया, अच्छी तरह मलमल के धोया, सारा दिन उसे साफ किया, क्यों मिट्टी थी जल्दी साफ हो जाते हैं, साफ करके सुखाया। शाम का वक्त आया, पास में भगवान का मंदिर था, उस मंदिर में वो गए, तीन चार दिए लिए और उस पोचे में से वो धागे निकाले और उनकी बाती बनाई, बाती बना करके भगवान के सामने दीपक जलाया। चार पांच दीपक जब जल गए, तो पहले कोई लाइट तो होती नहीं थी, दीपक ही जला करते थे, तो दीपक का जब प्रकाश हुआ तो उस प्रकाश को देख करके कहने लगे भगवान से कि आज मेरी बहन ने मुझे भिक्षा के अंदर ज्योत दी, ज्योत जिस ज्योत से मेरे भगवान का दरबार जगमगा रहा है, उजाला हो रहा है। हे मेरे परमात्मा, मेरी बहन दिल की बहुत अच्छी है, एक बार जिस प्रकार इस ज्योत ने, उसकी दी हुई ज्योत ने आपके मंदिर में जो प्रकाश किया है, ऐसा ही प्रकाश मेरी बहन के दिल में भी करना, ऐसा ही प्रकाश मेरी बहन के दिल में भी करना। ये शब्द उसी औरत ने सुन लिए, क्योंकि वो भी चुपचाप देख रही थी, और इतना सुनते ही अंदर की दुष्टता निकल गई। कौन कहता है कि दिल नहीं बदलता, लेकिन सामने को, सामने वाले को बदलने के लिए हमें बहुत कुछ बदलना पड़ता है, अपने आप को परिवर्तित करना पड़ता है। वो एकदम चरणों में गिर गई, रोने लगी, कहने लगी मुझे माफ कर दो, तो भगवान की तरफ मुंह करके एक नाथ कहने लगे, वाह आपने चमत्कार कर दिया, मैंने अभी आपसे एक प्रार्थना की थी कि मेरी बहन के दिल में प्रकाश कर देना, मैंने इधर प्रार्थना की और इधर प्रकाश भी कर दिया, वाह प्रभु तेरी महिमा का कोई अपरम पार नहीं। रोने लगे खुशी के मारे, ऐसा संत प्रकृति को बदल के रख देता है। यही मध्यस्थ भाव है, ये एक बड़ी साधना है, और इस साधना
को करने के लिए ही मनुष्य का जन्म हुआ है। ऐसी साधना केवल मनुष्य कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। धर्म न दो जा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, साची बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साँच है, ताके हृदय प्रभु आप, सतमत छोड़ बावरे, सत छोड़ा पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए, वह सत्यवादी हरिश्चंद एक पल में बना दिखारे, मर घट में बिक गया राजा, बिक गए तारा रानी, वो अटल रहे धर्म पे, फिर हो गई सब आसानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी, जिन धर्म के प्यारे लोगों, यह सुन लो अमर कहानी, हम भूल गए हैं जिनको, जरा याद करो कुर्बानी। बोलिए सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र की। राजा हरिश्चंद्र के चरित्र में कल आप लोग सुन रहे थे कि जिस मकसद के लिए महारानी तारा ने अपने पति देव को जंगल में भेजा सोने की पूंछ का हिरण लाने के लिए, सोने की पूंछ का हिरण तो एक बहाना था, तारा ने तो उनको अपने से दूर भेजना था, एक बार जंगल में भेजना था, अंदर जो खुमारी जमा हो गई थी, नशा था, उस नशे को उतारना था। वो नशा अगर एक बार उतर जाए और अपनी प्रजा के दुख दर्द को देखने की ताकत आ जाए तो मेरे पति आज भी बहुत अच्छे हैं, वो तो आसक्ति और मोह में आकर के एकदम अपने कर्तव्य को भूल गए, नहीं तो वो अपने आप में बुरे नहीं थे, कर्तव्य को भूल गए। कर्तव्य की याद दिलाने के लिए महारानी तारा ने एक बलिदान किया, अपने स्वार्थ को एक तरफ रखा, राजा को जंगल भेजा, प्रकृति के पास भेजा, ताकि ये अपनी प्रकृति में आ जाएं, अपने स्वभाव में आ जाए, अपने आप में आ जाए। जिस दिन ये अपने आप में आ गए उसी दिन उनको बोध हो जाएगा कि मैं राजा हूं और राजा के क्या कर्तव्य होते हैं। अब सुनिए थोड़ी सी, रानी किस तरह अपने पति के बिना तड़फी है। वन में मृग शिशु के लिए जब से गए नृपाल,
तारा ने पति विरह का पाया कष्ट कराल। जैसी वो गए, क्योंकि उस समय उसको हिम्मत रखनी थी, लेकिन जो हिम्मत थी ऊपर की थी, जो थोड़ी बहुत कठोरता थी वो ओढ़ी हुई थी, अंदर वो कठोर नहीं थी, अंदर तो दिल देवी का था उसके पास, लेकिन कभी कभी कांटे को निकालने के लिए कांटा तो बनना ही पड़ता है। क्या बोला मैंने? कांटे को निकालने के लिए कांटा बनना पड़ता है, क्योंकि कांटे को फूल से नहीं निकाल सकते आप, कांटे को निकालने के लिए तो कांटा बनना ही पड़ता है। तो ऊपर से कठोरता ओढ़ ली ताकि ये जाए यहां से, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है जैसे ही होश आएगा ये अपने कर्तव्य को समझ जाएंगे। रानी ने कर्तव्य विवश हो राजा को भेजा वन में, आंखों देखे दीन प्रजा की दशा विचारे कुछ मन में, कुछ दिन मुझसे अलग रहे तो स्वयं वासना से छूटे, कर्म योग में रत हो बंधन सभी अविद्या के टूटे। ये कुर्बानी है कि एक बार राजा को अपनी प्रजा की दुर्दशा दिखाई दे जाए, और ये मुझे पूर्ण विश्वास है एक बार अगर इसने इन्होंने अपनी प्रजा की दुर्दशा देख ली तो जाग जाएंगे, क्योंकि वो किसी को दुखी देख नहीं सकते। ये मुझे विश्वास है। ठीक है, इनकी दुनिया एक महल में रह गई है, महल के बाहर बंद हो गई है, बाहर क्या हो रहा है ये देख नहीं पा रहे, और कुछ दिन मेरे से अलग रहेंगे तो जो भूत चढ़ा हुआ है मेरा ये उतर जाएगा, और कर्म योग में ढल जाएंगे, और जो शरीर ही सब चीज है, अपनी भूख ही सब चीज है, ये एक अविद्या है, अज्ञान है, अपना स्वार्थ ही सब कुछ है, ये एक अविद्या अज्ञान है, इस अज्ञान से वो बाहर आ जाएंगे। जब वो चले गए, उपमा बहुत अच्छी दी है, अमृत घट पर विष का ढक्कन, तारा का यह जीवन था ऊपर पत्थर किंतु हृदय के अंदर मृदुतम मक्खन था, भूपति के जाने के पीछे कोमलता ऊपर आई, पतिवरता के तन पर मन पर निज पति की चिंता छाई। उपमा किससे दी? अमृत का घड़ा और विष का ढक्कन। घड़ा तो अमृत का, यानी दिल में तो प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है, लेकिन विष का ढक्कन यानी मुंह कठोर हो गया, वाणी कठोर हो गई, वाणी में प्रेम खत्म किया उन्होंने पहले, कि मैं मुस्कुराऊंगी या हंसूंगी, आंखों में कुछ हंसी लाऊंगी, जबान में कुछ मिठास लाऊंगी, फिर ये यहीं अटक जाएंगे, इनको भड़काना चाहिए ताकि किसी तरह महल से ये बाहर निकले। बस जब वो निकल गए तो कठोरता खत्म, अंदर की कोमलता बाहर आई, उनके जाते ही चिंता हो गई, अपने भगवान के कक्ष में आई, जो भी मंदिर है, जो भी उसका आराध्य होगा, एक ही प्रार्थना की, उनका ख्याल रखना, उनका ध्यान रखना। वो सब चीज चिंता किस तरह आने लगी, निर्जन वन में कहां भटकते होंगे मेरे प्राणाधार, भूख प्यास की पीड़ाओं का कैसे सहते होंगे भार, फूल सेज की सोने वाले पृथ्वी पर सोते होंगे, हाहा कैसे पुष्प सुकोमल अंग अंग दुखते होंगे, वे दुख भोगे मैं सुख भोगू ठीक नहीं मुझको जचता, पतिवरता क्या पापिन हूं मैं भीषण पाप मुझे लगता।
वो नजारा आने लगा सामने कि किस प्रकार धूप में भटक रहे होंगे, जंगल में भटक रहे होंगे, प्यास लगेगी तो किस तरह नदी का पानी पी रहे होंगे, फल खा रहे होंगे, और जो फूलों की सेजों पे सोते हैं तो जंगल में लकड़ी और कंकड़ के बिछौनों पर लेटे होंगे। इतना ध्यान आते ही सोचने लगी, वो सुख भोगे, वो दुख भोगे, मैं सुख भोगूं, ये ठीक नहीं है। तुरंत एक संकल्प किया, रानी भी व्रत तपश्चरण में लगी सुधा तृष्णा सहने, कभी कभी तो रूखा सूखा भोजन खाकर ही रहते, भूमि शयन करती है आधी रात रहे पर जग जाते, पद्मासन में बैठ शांति हित शांति नाथ के गुण गाती। एक संकल्प कर लिया कि जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं एकासन करूंगी या आयंबिल करूंगी या उपवास करूंगी, और मैं कभी मखमली गद्दों पर नहीं सोऊंगी, अपना बिस्तरा नीचे बिछाऊंगी जिसमें गद्दम नहीं होगी, एक टाट बिछा करके जमीन पर ही सोऊंगी, खाऊंगी उतना जितना जरूरी है, ज्यादा नहीं खाना नहीं पीना, ध्यान में रहूंगी, परमात्मा की भक्ति करूंगी। ऐसा जीवन बना लिया, आधी रात को उठना, भगवान शांतिनाथ का जाप करना और यही प्रार्थना करना कि उनका तुम ध्यान रखना। चिंता कब बढ़ी, पक्षाधिक बीता तो चिंता चक्र हृदय को चीर गया, स्वर्ण महल में मन न लगा तब लता कुंज का मार्ग लिया, सखी मल्लिका को संग लेकर रानी उपवन में आए, लता कुंज में शिला पट्ट पर बैठ सखी से बतलाए। जब 15 दिन से ऊपर हो गए और वो वापिस नहीं आए, जबकि ये कहकर के भेजा था केवल आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, 15 दिन में आप वापिस आ जाना, जब 15 दिन से ऊपर हो गए अब चिंता स्वाभाविक हो गई कि पता नहीं वो किस हालात में होंगे, कैसे होंगे, किस तरीके से होंगे। चिंता जब चढ़ने लगी, मन महलों में लगा नहीं, सखी का हाथ पकड़ा, उस लता कुंज में आ गई जहां वो पति पत्नी विचरण किया करते थे, वहां घूमा करते थे, लता कुंज जहां सघन वृक्षों की छाया थी, भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की लताएं, फलों की लताएं, क्या गजब का उद्यान था, वो उपवन था। एक शिला पर बैठ गई और रोने लग रही। कभी कभी महिलाएं अपनी सखी से अपनी सारे दिल की बात बता देती हैं, तो वो बताती थी हम कहाँ कहाँ क्या क्या करते थे, बताए जा रही और उन दृश्यों को याद करके वो भावुक हो रही, रोने लग रही। वो सब बताने लगी कि इस कुंज में मैंने अपनी किस तरह की जिंदगी बिताई अपने पति के साथ, वो सब दृश्य खोल रही है। कहा कि कोई वक्त होता है कि जगह कितनी अच्छी होती है, आज पता लगा कि जगह अपने आप में अच्छी नहीं होती, ये लता कुंज जो मुझे जान से प्यारा लगता था लेकिन आज यहाँ पर भी मेरा दिल नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा, कि आज पता लगा कि ये उद्यान भी उन्हीं की उपस्थिति में अच्छा लगता था, जब वो साथ होते तो अच्छा लगता था, उनके बिना ये जगह भी मुझको खलती है, कचोटती है, चुभती है। ऐसे कहते कहते वो रोने लगी। रानी के दुखित अंतर में लगी उमड़ने शोक घटा, रोते रोते जब बहुत रोली तो उसका एक परिणाम निकलता है, वो यहां बताया है। रानी के दुखित अंतर में लगी उमड़ने शोक घटा, मूर्छा खाकर पड़ी भूमि पर जैसे जड़ से वृक्ष कटा, सखी मल्लिका समझाती थी वह भी सचमुच शुद्ध बुद्ध भूली, क्या कुछ करे कराए कुछ भी समझ नहीं पाई मति फूली। जैसी वो रोती रोती बेहोश हो गई तो मल्लिका के तो हाथ खाओ फूल गए कि क्या करूं क्या करूं,
अब रानी की हर चीज को उनके पति देव जानते हैं, जो मैं जानती थी वो मैं जानती थी, लेकिन इनके इस दर्द को दूर करने की ताकत तो मेरे पास भी नहीं है। वो असहाय हो गई, मल्लिका सखी भी रोने लगी। और ये दृश्य लता कुंज की ओट से, लता कुंज की ओट अयोध्या पति भी आकुल व्याकुल थे, रानी का लक्षण है निसर्गज प्रेम भाव में विवल थे, जो ही देखी मूर्छित रानी सहसा अंदर को ध्याए, अंचल से कर शीघ्र हवा जल छिड़क चेतना में लाए। जैसी वो बेहोश हुई, राजा की आंखें भर आई, तुरंत अंदर आए, मल्लिका को कहा तू जा पानी ला, पानी लाई, छींटा दिया और अपने आंचल से हवा करने लगे और होश आ गया। और जब आंख खुली तो आंखों के सामने कौन था? राजा हरिश्चंद, जिसके लिए रो रही थी, उसकी जिंदगी उसके सामने थी। पति को सम्मुख लख रानी ने नहीं हर्ष का पार रहा, नेत्र युगल से असुर रूप में झरझर प्रेम प्रवाह बहा, पति के चरणों में वंदन कर पूछी वनगत सुख साता, गदगद होकर हरिश्चंद्र भी बोले कौशल के त्राता, मेरी क्या चिंता है मैं तो चंगा वन में जाकर भी, पर तुमने क्या हाल बनाया राजमहल के अंदर भी, दुर्बलता कितनी छाई है बनी तोज की चंद्रकला, खान पान की शुद्ध बुद्ध भूली ये क्या चिंता चक्र चला, समझदार होकर भी तुम तो बनी सर्वथा ही भोली, कुछ दिन के ही लिए गया था इस पर ये काया डोली। अपने पति को सम्मुख देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। देखो पहले रो रही थी तो वो गम के आंसू थे, और अब रो रही है तो वो खुशी के आंसू। वाह, कौन कहता है खुशी में आंसू नहीं आते, खुशी के आंसू। उसको ऐसा लगा तारा को जैसे मेरी सारी दुनिया मुझे वापस मिल गई है। उसके सच्चे प्रेम को देख करके राजा की भी आंखें भर आई और कहने लगा पागल, ये तूने क्या हाल बना रखा है, देख मुझे जंगल में जाने के बावजूद भी वैसा का वैसा हूं, और तू महलों में रह करके भी क्या हाल बनाया तूने, लगता है तूने खाया नहीं, समय पर कुछ किया नहीं, रोती रही होगी। अरे कमाल की बात है, थोड़े दिन के लिए ही तो गया था मैं भाई, मैं तूने मुझे 15 दिन के बाद बुलाया, मैं 17 दिन के बाद आ गया, आ तो 2 दिन बाद ही तो गया, इसके ऊपर ये क्या हाल बनाया तूने। तब बोलती है रानी, तुम नहीं समझोगे ये दिल कैसा होता है, शायद तुम नहीं समझोगे ये औरत का दिल होता है ऐसा। तब वो कहते हैं, मैं संक्षेप में बोल देता हूं, वो तब कहते हैं रानी, राजा हंसकर बोले तुम तो बड़ी विलक्षण हो रानी, स्वप्न लोक की व्यर्थ कल्पनाओं से क्या आनी जानी, पक्षाधिक वन प्रतिवन घूमा देख पशु पक्षी नाना, किंतु तुम्हारा स्वर्ण पुच्छ मृग देख न पाया क्या पाना, तुमसी बुद्धिमती नारी क्या कभी असंभव हट ठाने, गुप्त रहस्य क्या इसमें बतला दीजिए हम भी तो जाने। कहा कि बैठो, राजा ने हंसी के साथ एक बात पूछी कि तू तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, और मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि तू कोई गलती जानबूझ के कर सकती है। मैं क्या बताऊं तारा, मैं 15 दिन से ज्यादा जंगलों में घूमा,
एक एक हिरण को पकड़ पकड़ के देखा, उसकी पूंछ को टटोल टटोल के देखा, लेकिन एक भी हिरण मुझे सोने की पूंछ का नहीं मिला। ये बता, क्या तूने कभी सोने की पूंछ का हिरण देखा? या तेरे घर में सोने की पूंछ का हिरण था जो मुझे कह दिया जा सोने की पूंछ का हिरण लेके आ? मुझे तो नहीं लगता है। मैं तेरे इस मजाक के पीछे रहस्य जानना चाहता हूं कि तूने मुझे सोने की पूंछ का हिरण लाने के लिए जंगल में क्यों भेजा, जबकि सोने की पूंछ का हिरण तो होता ही नहीं। तो रानी ने कहा, जब सोने की पूंछ का हिरण होता ही नहीं तो फिर लेने के लिए किस लिए गए थे आप? जब होता ही नहीं तो फिर जंगल में लेने के लिए गए क्यों? जितनी मैं पढ़ी लिखी हूं इतने तो आप भी पढ़े लिखे हो, जितनी मैं समझदार हूं उतनी तो आप भी समझदार हो। जो बात आप मुझे अब बोल रहे हो ये बात तो उस दिन भी बोल सकते थे आप। और ये तो मैं तुम्हारे माइंड का टेस्ट ले रही थी कि दिमाग में नशा छाया हुआ है या होश भी है। और मुझे मालूम था अगर होश होगा तो तुम जरूर बोलोगे कि सोने की पूंछ का हिरण होता ही नहीं, ये केवल आपका नशा उतारने के लिए भेजा था। जिस प्रकार सोने की पूंछ का हिरण नहीं होता, उसी प्रकार स्वामी वासना से या मोह और आसक्ति से कभी कोई धर्म की साधना नहीं कर सकता। आप कर्तव्य से दूर चले गए थे। और सुनो, आप मेरी वजह से राजा नहीं हो, मेरी वजह से तो केवल आप पति हो, मेरी वजह से आप केवल पति हो, मेरी वजह से आप राजा नहीं हो। राजा हो तो किसकी वजह से? प्रजा की वजह से। एक राजा जब अपनी प्रजा को भूल जाए, अपने कर्तव्य को भूल जाए, तो ऐसा नशा किस काम का? और ये नशा किसका? शरीर का। इस नशे में कुछ नहीं रखा। मैं यही कहना चाहती थी कि खून से कभी खून का धब्बा धोया नहीं जाता, कीचड़ से कभी, जिस कपड़े पर कीचड़ लगी हुई है उस कीचड़ वाले कपड़े को कभी कीचड़ से नहीं धोया जाता, आग से कभी आग बुझाई नहीं जाती। आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए और कीचड़ को धोने के लिए भी पानी चाहिए। यही होश आपको जंगल में आया। मैं लाख कोशिश करती आपको महलों में समझाने की तो आप समझ नहीं पाते। केवल अपनी जनता के दर्द ने मुझको इतना कठोर होने को मजबूर कर दिया, नहीं तो कौन पत्नी अपने पति को अपने से दूर भेजती है? लेकिन मेरी वजह से एक राजा उसकी प्रजा से दूर हो गया था, तो प्रजा कहीं ना कहीं तो आपकी पत्नी को बद्दुआ दे रही होगी कि जब से तारा आई है तब से हमारा राजा छीन लिया इन्होंने। मैं अपनी जनता की बद्दुआ लेकर के जिंदा नहीं रह सकती थी। मैं एक राजा को उसकी प्रजा से दूर नहीं कर सकती थी। जब ये बात सुनी, क्योंकि वो तो रास्ते में ही समझ गया था कि केवल मुझको होश में लाने के लिए मेरी रानी ने ये काम किया है, लेकिन जब उसके मुख से ये बात सुनी, राजा की खुशी के आंसू निकल आए। कहने लगे कि उस सरोवर पर मैंने तुझे पसंद किया था कि किस तरह तूने एक गरीबनी बुढ़िया के पीछे अपनी सखियों को छोड़कर दौड़ करके आई, कहां वो झोपड़ी में रहने वाली एक गरीबनी और कहां महलों में रहने वाली राजकुमारी, किस तरह तूने उसको सहारा दिया।
आज मुझे अपने पर नाज होता है कि तारा सचमुच पूरी अयोध्या की राजमाता है। आपके इस मातृत्व को देखकर, कर्तव्य को देखकर आपको मैं अनुमोदन देता हूं। आपने मुझे संभाल लिया, इसके लिए साधुवाद देता हूं। और सुनो, इस मिट्टी की सौगंध खाता हूं, अब मैं अपने कर्तव्य में कहीं पर भी कोई कमी नहीं आने दूंगा। और वहीं पर ही संकल्प ले लिया दोनों पति पत्नी ने कि अब रिश्ता तुम्हारे मेरे बीच में दिल और मोहब्बत का रहेगा, इस मोहब्बत में शरीर नहीं आएगा। ये संकल्प किया दोनों पति पत्नी ने कि अब शरीर बीच में नहीं आएगा, अब दोनों दिल से प्रेम करेंगे, अब मोह नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे, वासना नहीं लाएंगे, प्रार्थना करेंगे, साधना करेंगे। जीवन बदल लिया। और उधर देखिए, समय बढ़ रहा है, सब कुछ व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित ढंग से हो गई। फिर जो गाड़ी पटड़ी से उतर गई थी वो दोबारा पटड़ी पर आ गई, गाड़ी दौड़ने लगी, जीवन की गति से दौड़ने लगी। फिर वही सुख चैन अमन की बंसी बजने लगी अयोध्या के अंदर। अखिल विश्व में सात्य ही एकमात्र है, गे होता सत प्रतिज्ञ का त्रिभुवन में यश गे। पूरे विश्व में, अखिल विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, विश्व का मतलब ये धरती नहीं, पूरा ब्रह्मांड। आपको बतला देता हूं, ये धरती एक छोटा सा ग्रह है जिस पर हम सब रहते हैं, जिसको हम पूरा विश्व मान लेते हैं, ये विश्व नहीं है, अखिल विश्व, पूरा ब्रह्मांड। और ये पूरा ब्रह्मांड, इसका और छोर हमें पता नहीं है, इसका तो ज्ञान केवल सर्वज्ञ को हो सकता है और किसी को नहीं होता। वैसे प्रयास कर रहे हैं, ये तो विज्ञान की साधना है, लोग मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं। मंगल ग्रह पर भी इसी तरह की जमीन और धरती है, मंगल ग्रह पे पहुंच गए हैं, चांद पर भी पहुंच गए हैं लोग, यानी चांद भी एक ग्रह है, चंद्रमा के पास भी पहुंच गए हैं। तो ऐसे पता नहीं असंख्य ग्रह हैं जहां पर पूरा ब्रह्मांड है, कि इस पूरे ब्रह्मांड में अगर कोई कल्याणकारी चीज है, मंगलकारी चीज है, क्या है वो? है सत्य, बस सच्चाई। जो सत्य पर चलता है उसकी महिमा पूरा विश्व गाता है, पूरा ब्रह्मांड गाता है। और वो दृश्य क्या है? स्वर्ग लोक का, आज नहीं कल। ये कहानी कुछ अब थोड़ा सा अपनी जवानी में आएगी, अभी तो केवल इस कहानी का क्या चल रहा था? बचपन, है ना, बचपन। लेकिन कल से कहानी कुछ करवट लेना शुरू करती है। और किस ढंग से लेती है करवट? राजा की यश सुरभि, राजा की सत्य की महिमा जमीन से उठकर कहां तक पहुंची है और कहां पर धड़का है वो, और कहां पर क्या प्रभाव हुआ है, इसको सुनने के लिए कल आइएगा। कल जरूर आइएगा जो आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते उनको मैं मना नहीं कर, उनको मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो आ सकते हैं वो जरूर आने का प्रयास कीजिएगा। वीर नाम के हेरे मौत, गुरु नाम के हेरे मौत, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले
दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बने, सुंदर काया मिट्टी बनेगे, चर्चा होगे गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे आखिर वो कंगाल हुए। हो दौलत के जो बने आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदे वालो सुन लो, लोहे कपड़े वालो, अरे बेंगलोरो वालो सुन लो, बात सुनाऊं खरे खरे। ले लो रे कोई राम का प्यार शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यार शोर मचाऊं गली गली। हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। आप सभी को आज प्रथम नवरात्रा है और प्रथम नवरात्रे की आप सभी को सामूहिक रूप से हार्दिक हार्दिक शुभकामना देता हूँ।